हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारे को देखने में मिलता है आए दिन कि व्हाट्सएप का आपके दोस्त का अकाउंट बैन हो गया या आपका बैन हो गया, तो किसी न किसी वजह से व्हाट्सएप आजकल लोगों के अकाउंट बैन कर रहा है। इस तरह से आप नहीं चला पाओगे और व्हाट्सएप ओपन करोगे तो इस तरह की वार्निंग दिखाई देगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ होती क्यों है, ये बैन करता क्यों है व्हाट्सएप। तो इसका सिंपल सा वजह है कि तुम व्हाट्सएप की पॉलिसी को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हो। जैसा कि आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हुए पकड़ा गए हो, या फिर कोई हेटफुल स्पीच को आप कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो व्हाट्सएप को ऑफिशियल व्हाट्सएप को ना चलाकर GB व्हाट्सएप या FM व्हाट्सएप इस तरह की एप्लीकेशन को यूज करते हो, तभी भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, बैन हो जाता है। दोस्तों, ये व्हाट्सएप बैन आपके लिए टेम्परेरी भी हो सकता है या फिर परमानेंट भी हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए या फिर हम कोशिश तो कर सकते हैं कि व्हाट्सएप अकाउंट हमारा वापस से अनबैन हो जाए, तो इसका तरीका आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट रिकवर कर सकते हो, या फिर अगर नहीं होएगा तो व्हाट्सएप की तरफ से क्या जवाब मिलने वाला है, ये सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, सो सिंपल सा तरीका है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है या फिर कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो। उसके अंदर आपको whatsapp.com इस पर जाना है, सर्च करके आप आ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ सकते हो। सो फ्रेंड, इस पेज पे आने के बाद अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप चला रहे थे जो सभी चलाते हैं अक्सर, तो आपको ऊपर वाली जो कॉन्टेक्ट अस की लिंक दिखती है यहाँ पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर व्हाट्सएप बिजनेस आप चला रहे थे और वो बैन हुआ था, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन जो यहाँ पे देखने में मिलता है, तो ये जो कॉन्टेक्ट अस का लिंक दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो फॉर्म मिलता है यहाँ पे फिलअप करना है आपको। सबसे ऊपर में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है, देन आपको एक ईमेल आईडी डालनी है जो आपकी ईमेल आईडी चल रही है आप चला रहे हो, और वापस से आपको कंफर्म करना है ईमेल आईडी को, और उसके नीचे में आपको चुनना है आप कौन से डिवाइस में व्हाट्सएप अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो, एंड्रॉयड आईफोन या वेब में चला रहे हो या फिर जियो फोन में चला रहे हो, iOS यानी जियो में चला रहे हो या फिर अदर कोई फ़ोन में आप चला रहे हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, आप रिक्वेस्ट सबमिट चाहे तो आप अपने से भी ले सकते हो या फिर मैंने लिख के रखा है, आप सेम टू सेम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको थोड़े मोड़े चेंजेस करने, जैसे कि आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना है, व्हाट्सएप नंबर मैंने लिखा है ब्रैकेट में, और अपना नाम वगैरह डाल देना है, व्हाट्सएप टीम को क्या मैसेज लिख के भेजना है ये मैंने पहले से लिख के रखा था, तो वही चीज़ मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। और जहाँ जहाँ पे ज़रूरी चीज़ें चेंज करनी है वो मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इनका व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, साथ ही साथ इनका नाम भी डाल दूँगा, एक भाई है हमारे जिनका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो गया। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको पूरे फॉर्म को फिल कर देना है, और आखिर में आपको वापस से रीचेक कर लेना है कि सारा कुछ जो आपने भरा है वो सही सही है कि नहीं। सबसे ऊपर से अगर बात ले तो कंट्री कोड, फ़ोन, आपका व्हाट्सएप नंबर और ईमेल, साथ ही साथ आपने जो टेक्स्ट मैसेज करना है वो सारा कुछ चेक करके बाद में आपको नीचे बटन जो दिखाई दे रहा है नेक्स्ट स्टेप, तो वहाँ पे क्लिक कर देना है, सेंड अ क्वेश्चन, इस पर क्लिक करना है। सो इस तरह से आपका जो रिक्वेस्ट था वो व्हाट्सएप टीम के पास जा चुका है, और आपको जवाब है ना 3 बिजनेस डेज के अंदर व्हाट्सएप की तरफ से मिलने वाला है। जो आपने ईमेल आईडी डाला था उसी ईमेल पे इनकी तरफ से जवाब आने वाला है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन होएगा क्या नहीं, और कितने देर टाइम में आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाएगा, वापस से आप अपना व्हाट्सएप चला पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यही था वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारा कुछ समझ में आ गया होगा मसला कि किस तरह से व्हाट्सएप अकाउंट को अनबैन करवाना है या फिर आपका अकाउंट बैन होएगा भी कि नहीं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर लिए, बाकी व्हाट्सएप टीम के ऊपर कि वो लोग अनबैन करने वाले कि नहीं। तो यही था वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आने के साथ साथ इसे फील भी करिए, ठीक है, थम्स अप बटन नीचे दिख रहा होगा उसे हिट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस।